आत्मा दी सूखमता दे नाल दिल दी शुद्धि, शरीर दी सफाई, शख्सियत दी सूखमता, निम्रता, एकता ते भाईचारे दी भावना विच अल्लाह प्रति प्रेम ते महिमा लई उसदा धन्नवाद ते शुकराना अदा करन दा नाम है ईद। ईद शब्द दी उत्पत्ति अरबी शब्द ओत तो हुई है जिसका अर्थ है वापसी। ये हर साल वापस आता है इसलिए इसनों ईद कहा जाता है। स्पेन दे सूफी दार्शनिक इबन अल अरबी अनुसार ये हर साल खुशी दी नवी धारणा नाल परतदी है इसलिए इसनों ईद कहा जाता है। पवित्र कुरान विच ईद का एक जगह जिक्र है जिस विच हजरत ईसा मसीह की प्रार्थना का जिक्र है। ईसा रिबन मरियम ने कहा, हे अल्लाह साडे प्रभु सानू आकाश तो रिजक भेजो। ये सारे लोगों लिए एक दावत है, एक निशानी है। मानता है कि ईद की शुरुआत पैगंबर के नागरिक जीवन की शुरुआती दिनों तो हुई। हजरत अंस के हवाले नाल एक हदीस ने दसिया है कि मदीना के लोग त्योहारों के रूप में दो दिन मनाते हैं जिस वो खेडा खेडिया करते सन। नबी ने उन्होंने पूछा इन्हों दोवें त्योहारों मनाने की असलियत की है। पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुहाडे लई इन्हां दो त्योहारों के बदले दो बेहतर दिन ईद उल अजा ईद उल फितर दे नाम नियुक्त किए हैं। ये त्यौहार अपने अनुयायियों दीआं कुदरती जरूरतां नूं पूरा करता है। जो ही रमजान का पवित्र महीना समाप्त हुंदा है, शवाल दे पहले दिन ईद उल फितर दे रूप विच आत्मिक जित दा दिन चढ़दा है अते जगत विच उजाला फैल जांदा है। ईद दी नवाज दा प्रमाण हदीसां विच मिलदा है। हनाफिया अनुसार ईद दी नवाज हर उस शख्स लई जरूरी हुंदी है जिस लई जुम्मे दी नवाज। ईद दी नवाज आबादी दे बाहर खुले मैदान जानी ईदगाह विच अदा करना सुन्नत मन्निया गया है। ऊच नीच दे फर्क नूं खत्म करके इक्को कतार विच सब नूं खड़े करके नवाज पढ़ना एक अलग ही नजारा पेश करन वाला ए ईद उल फितर दा त्योहार इसे तरह जिंदगी गुजारन दा ढंग सिखाउंदा है तां जो वड्डे छोटे दा फर्क मिट सके, ए सिख्या मिल सके कि रब पास सब दा दर्जा बराबर है। ईद दी विशेष नवाज पढ़न तो बाद एक दूजे नूं गले मिलिया जांदा है जिस विच मुसलमान नहीं सगो दूजे धर्मां दे लोक भी अपने मुसलमान भरावां नूं ईद मुबारक देण लई गले मिलदे हन अते इस त्यौहार मौके बने विशेष मिठे पकवान रल मिल के खांदे हन। इहो ईद दा लोकाई नूं संदेश है, सब रल मिल के खाइए ते खुशियां मनाइए।